अरब में एक औरत थी, उसका नाम उम्मे जाफिर था। इंतहाई सखी थी, लोगों में ऐसे तकसीम करती थी कि दाएं को बाएं हाथ का पता न चले। कुछ दिनों से वो एक रास्ते में गुजरने लगी। उस रास्ते पर दो अंधे बैठे होते, ये दोनों सदाएं लगाते। एक की सदा होती, इलाही मुझे अपने फजल व करम से रोजी अता कर। दूसरा अंधा कहता, या रब मुझे उम्मे जाफर का बचा हुआ अता कर। उम्मे जाफर इन दोनों की सदाएं सुनती और दोनों को अता करती। जो शख्स अल्लाह का फजल तलब कर रहा था इसे दो दिरहम देती, जबकि उम्मे जाफर के फजल के तलबगार को एक बुनी हुई मुर्गी अता करती। दिलचस्प बात यह है कि जिसे मुर्गी मिलती वो अपनी मुर्गी दूसरे अंधे को दो दिरहम में बेच देता। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उम्मे जाफर उस अंधे के पास आई जो उम्मे जाफर का फजल तलब करता था और उससे सवाल करता था और उससे सवाल किया, क्या तुम्हें 100 दिनार मिले हैं? अंधा हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ एक बुनी हुई मुर्गी मिलती थी जो मैं 2 दिरहम में बेच देता था। उम्मे जाफर ने कहा, जो अल्लाह का फजल तलब कर रहा था मैं उसे 2 दिरहम देती और तुम्हें बुनी हुई मुर्गी में 10 दिनार डालकर देती रही। अंधे ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। वो चीखने और चिल्लाने लगा, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैं ऐसा न करता, मैं मारा गया। उम्मे जाफर ने कहा, यकीनन अल्लाह का फजल तलब करने वाला कामयाब है और इंसानों के फजल का तलबगार महरूम है।